एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फहद खान और आप देख रहे हैं हमारा हम सबका अपना यूट्यूब चैनल मोहम्मद फहद खान। तो भाई आपको मौसम और टाइम देखकर लग रहा होगा कि कुछ शाम के 5 या 6 बज रहे होंगे, तो ये गलत है। ये टाइम हुआ है सुबह के 6:10 और हम जा रहे हैं वॉक पर। वॉक थोड़ी सी एक्सरसाइज, उसकी वजह यह है कि पेट शेट अपना बाहर आ गया और सारा दिन काम अपना बैठने वाला है ना तो इस वजह से अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कितना सुखड़ लड़का है कि ये जा उठता ही सुबह सुबह। तो भाई ये भी आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली 10 या 10:30 बजे उठता हूँ, लेकिन आज आपका भाई सुबह सुबह उठा, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद साजो सामान अपना उठाया और निकल आया बाहर। पहले मैं सोच रहा था कि अब वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है तो किधर जाना है, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि भाई अलसीफ से बेहतर कोई जगह नहीं। अगर मैं दिखाऊं तो मेरे साथ और आवाम आपको भागती हुई नज़र आ रही होगी, ये अभी अलसीफ पर पहुँचे नहीं हैं। तो मैंने कहा जब मैं निकल रहा हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, कि थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ। खुद तो आज पहला दिन है और अलसीफ मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ। मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको अलसीफ नज़र आ जाएगा। आ जाएँ, थोड़ा सा मेरे साथ भागें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि पेट कम करना है, और अभी मुझे नहीं पता कि मेरा वज़न भी कितना। ये है वो अलसीफ पे ट्रैक जिस पर आप रनिंग कर सकते हैं सुबह के टाइम पर, और अगर आप दुबई में ही हैं तो इससे बेहतर कोई प्लेस है नहीं। और मुझे लग रहा है कि वज़न भी बढ़ गया है और पेट भी बढ़ गया है। तो वेट मशीन मैं रात को ले आया था, अब जाकर हम वेट चेक करूंगा। और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ चैलेंज करूं कि विद इन 30 डेज मैं अपना वेट लूज़ करूंगा और अपना पेट भी कम करूंगा। पता नहीं, देखते हैं। तो आ जाए फिर, साथ में भागते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह उठने वाला पहला मैं ही बंदा हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर तो पूरी दुनिया बाहर निकली हुई है और सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पहला दिन है तो चलकर आना ही अपने लिए मुश्किल हो गया, भागना तो दूर की बात है। बट कोई नहीं, यहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ भी नज़र आ गई हैं। कहते हैं ना कि सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और फिर बार बार नीचे उतरते हैं, देखते हैं शायद अपना पेट कोई कम हो जाए। भाई एक चक्कर लगा अभी और उस एक चक्कर में अपना 3-5 हो गया। ऐसे भी करना भाई अभी। रनिंग तो हमारी थोड़ी सी हुई है, अब ये छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़े से ऊपर और नीचे भी हुआ जाए ताकि ये पेट कम हो। थोड़ा सा आगे और पीछे और ऊपर नीचे रनिंग कर लिया। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं ना स्टेज पर,
तो वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रनिंग या स्ट्रेट रोड पर रनिंग के थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब आप पहला स्टेप रखते हो स्टेयर्स पर, तो आपकी बॉडी का पूरा वेट जो है वो आपकी उस टांग पर आ रहा होता है जिस स्टेप जो स्टेप आप ऊपर रख रहे होते हो। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन करना है भाई, अंदर करना है। जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है एक्सरसाइज का, जिसमें आपने पेट की एक्सरसाइज करनी होती है। पसीने आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े आ गए, तो ये थोड़े थोड़े ज़्यादा चाहिए पसीने, और शिप्स भी तैयार हो गई हैं मेरे पीछे निकलने के लिए। और अभी हम करते हैं एक्सरसाइज, आ जाए। पहले मैंने सोचा कि एक्सरसाइज जो है वो दरमियान में करूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो स्टेयर्स के दरमियान में आ रहा था मेरा मैट, तो मैंने थोड़े से पीछे का ये वो कैनाल है जो कि दुबई सिटी के सेंटर में से, और आप देखें यहाँ पे शिप्स हैं बड़े बड़े हैं और वो चल रहे हैं तो से आपको।
ये वाला स्टेप ना, जब पाकिस्तान में था तो मैं जाता था गांव में कबड्डी देखने के लिए, तो ये वाला स्टेप मैंने उन पहलवानों को करते हुए देखा था। भाई सुबह सुबह के इस टाइम, सर्दी के टाइम पे भी ना पसीने आना शुरू हो गए हैं, इट मीन्स के कुछ ना कुछ असर होगा, कुछ ना कुछ चर्बी निकलेगी। यार पेट बढ़ाना आसान है, कम करना बहुत मुश्किल है। बढ़ाना तो कुछ भी नहीं है, खाओ पियो बैठे रहो बस बढ़ जाएगा, शादीशुदा हो तो जल्दी बढ़ जाएगा। यार मेरा शादी से पहले ही बड़ा हुआ। मुझे बेसिकली सुबह उठने का जो है वो बचपन से तकरीबन शौक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मैंने, बल्कि 9-10 से आई थिंक मैंने अच्छी वॉक की है सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग में वॉक करना और न्यूज़पेपर पढ़ना ये मेरा शुगल था और वो बड़ा अच्छा टाइम था। तो आज जब मैं इतने साल के बाद, आई थिंक 3 साल के बाद आज मैं सुबह निकला हूँ और वो परिंदों का बोलना, वो सुबह की ताज़ा हवा और वो आपने देखा कि इतना खूबसूरत मंजर मेरे आसपास, तो इट इज़ एब्सोल्यूटली माइंड ब्लोइंग। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया मुझे आज के दिन। मैं सामान थोड़ा पैक कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई मैट अपना रोल हो गया। मैंने आपको बताया था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को ही चैलेंज दूँ कि मैं ये 30 दिनों में अपना पेट कम कर सकता हूँ या नहीं। अभी हमने वो क्या होता है, इंची टेप मैंने मंगवाया हुआ है, घर जाके पहले पेट भी अपना देखूँगा कि कितना है और जो भी होगा हम उसे कम करेंगे विद इन 30 डेज। और ये चैलेंज मैं अपने आप को ही कर रहा हूँ क्योंकि भाई इस उम्र में इतना पेट अच्छा नहीं लगता ना, ये बिल्कुल ऐसे वाला पेट करना है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट भी कीजिए कि मैं डेली आता रहूँ, डेली आपके साथ मिलकर एक्सरसाइज करता रहूँ। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। रुक जो भाई, एडवाइजरी पोर्शन तो अपना रह गया, क्या एडवाइस दूँ। देखो आप अगर दुबई में हो और आपकी मिनिमम सैलरी 4000 है तो आप अपनी फैमिली के साथ रहो, ट्राई करो कि फैमिली के साथ रहो। देखो अगर आप लोग पैसे जमा करने के लिए अपनी बीवी को अपने से दूर रखते हो, फैमिली को अपने से दूर रखते हो, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ बीवी की, तो अगर आप अपनी बीवी को अपने से दूर रख रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो भाई कोई पता नहीं है कि कल आप हो या ना हो।
डेफिनेटली यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप, और हमारा दीन ये कहता है कि आपकी कल हो या ना हो, तो जो भी टाइम है, मिनिमम टाइम, जो भी टाइम है, आप स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, और बेशक वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, मिनिमम आपकी सैलरी के साथ, जो भी है वो आप छोटे थोड़े, जो थोड़े थोड़े मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करना सीखो अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आपकी वाइफ यहाँ पर नहीं है तो उन्हें यहाँ पर बुला लीजिए, और आपका जो एक्सपेंस होगा वो दो महीने में आपने 2000 पे करना है। फर्स्ट टाइम आपको वीज़ा का, मैं वीज़ा का बता रहा हूँ, टिकट के अलावा वीज़े के आपके लगेंगे कोई 2000 और 2000 दरहम, और उसमें आपको वो भी 2 मंथ्स में जाकर पे करना है। तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं और आप मैरिड हैं और, तो भाई वाइफ को यहाँ बुलाओ, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, वो रिस्क आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो क्यों दूर रहना। थोड़ा थोड़ा जो भी मोमेंट्स हैं उनको इन्जॉय करो, और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, और आप बेशक उनसे दूर हो डेली, मेरे ख्याल में डेली उनको कॉल कर लिया करें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दे दिया करें, क्योंकि पेरेंट्स इस उम्र में जो कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके माँ बाप के पास जायदादें नहीं होती, उनके पास औलादें होती हैं। ये चीज़ मैंने फेसबुक से पढ़ी थी, पता नहीं कहीं से पढ़ी थी। खैर गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा पेट है कितना और वेट कितना है, और हमने उसको कम कितना करना है। तो जुड़े रहिए आप उनके साथ, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बस भाई चले जाओ।